गाइस, दिस इज नीलम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी एंड क्विक हेयर मास्क रेमेडी, और ये है बनाना हेयर मास्क रेमेडी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बनाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी तरह से हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बनाना में होते हैं काफी मात्रा में विटामिंस, न्यूट्रिशंस, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट एंड नेचुरल ऑयल, जो कि हमारी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाना हमारे हेयर्स को बनाता है स्ट्रॉन्ग, नरिश एंड सॉफ्ट, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी कम करता है। तो अगर आपके हेयर्स भी बहुत रूखे सूखे से बिजान से हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये बनाना हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस बनाना हेयर मास्क की क्विक रेमेडी। बनाना हेयर मास्क के लिए हम दो बनाना ले लेंगे। आप अपनी हेयर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग बनाना ले। अब इन बनाना को पील ऑफ करके स्लाइसेस में कट कर लेंगे और ग्राइंडर की हेल्प से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फैटी एसिड, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, जो बालों को न केवल चमकदार और मुलायम बनाती है बल्कि बालों से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हनी। हनी एक नेचुरल कंडीशनर है जो हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है और हमारे हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर को हेल्दी बनाता है और हेयर को डैमेज होने से भी रोकता है, और अगर आपके हेयर डैमेज है तो उनको रिकवर करता है। हमने इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिला दिया है, तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बनाना हेयर मास्क रेडी हो गया है। इस मास्क को हम अपने स्कैल्प एंड पूरे हेयर पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि ये मेरा हेयर मास्क बनके कंप्लीट हो गया है, और इस हेयर मास्क में मैंने मिलाया है बनाना, हनी और कोकोनट ऑयल। तो इन तीन इंग्रेडिएंट को मिलाकर ये मेरा हेयर मास्क कंप्लीट हुआ है, और इसको मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। इससे पहले मैं आपको अपने हेयर दिखा देती हूँ कि ये मेरे हेयर कितने रूखे सूखे डैमेज हो गए हैं और स्प्लिट हेयर भी हो गए हैं। तो ये मेरे बिफोर के हेयर हैं, और अब आप देखोगे ये हेयर मास्क लगाने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है मेरे हेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये हेयर मास्क मैं अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। इस हेयर मास्क को आपको अपने हेयर्स के स्मॉल पार्टीशन करके लगाना है, स्कैल्प से लेकर टिप तक। और इस टेक्निक से आपको ये बनाना हेयर मास्क अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर लेना है। जब आप अपने पूरे हेयर्स पे इस बनाना हेयर मास्क को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको एक बन बना लेना है और एक पॉलीथीन से अपने हेयर को कवर कर देना है। अगर आपके पास में शावर कैप है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और पॉलीथीन से अपने हेयर को कवर करने के बाद आपको 1 घंटे तक वेट करना है, और आफ्टर 1 आवर आपको नॉर्मल टैप वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। अपना हेयर मास्क लगा लिया अपने हेयर्स पे, और इसको मैं अभी 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दूंगी, और 1 घंटे के बाद में नॉर्मल टैप वाटर से इसको वॉश कर लूंगी। तो चलिए मैं आपको 1 घंटे के बाद मिलती हूं। जैसे कि मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, और मुझे मेरे हेयर काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहे हैं। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 महीने तक कंटिन्यूअसली 1 वीक में 1 बार इसको जरूर यूज करना है, बट आपको 1 महीने तक कंटिन्यूअसली इसको यूज करना है। सी क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ जब हम अप्लाई करते हैं तो इमिडिएटली तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, आता है थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है देखने को, बट अगर हम उसको रेगुलर यूज करेंगे तो ही उसका बेस्ट रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो आपको 1 महीने तक कंटिन्यूअसली 1 वीक में 1 बार इसको जरूर यूज करना है, तभी जाके इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज की जब आप बनाना का पेस्ट बना रहे हैं तो पेस्ट बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें लम्स रहते हैं तो वो हमारे हेयर में चिपक जाते हैं और फिर उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेस्ट बहुत स्मूथ होना चाहिए, एंड जब आप हेयर को वॉश कर रहे हो तो हेयर को शैम्पू से बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है, क्योंकि हमने पेस्ट में
ऑयल भी ऐड किया है और बनाना भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेयर में चिपक जाता है थोड़ा बहुत, और ऑयल भी रह जाता है। तो आपको अपने हेयर को बहुत अच्छे से शैम्पू से वॉश करना है ताकि सारा ऑयल निकल जाए, और अगर थोड़ा बहुत बनाना आपके बालों में चिपक गया है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो ये आपको करना है। एंड फिर भी अगर आपके बालों में थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है या बनाना रह जाता है तो आप सेकेंड डे दोबारा से वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मास्क बनाना है और अपने हेयर पर अप्लाई करना है। आई होप ये हेयर मास्क रेमेडी आपके लिए यूजफुल हो और आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मिलती हूँ अपने एक और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।